लोकसभा चुनाव हमने देखा, बिहार का विधानसभा चुनाव देखा, लेकिन इन चुनावों के अंदर जो हमें देखने को मिला वो एक चीज कि भारत सरकार यानी मोदी जी की सरकार भारत का खजाना खाली कर दिया सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए और वोट खरीदने के लिए, 500 रुपए पर वोटर। अगर आप समझें, आंकड़ा लगा लें कि 500 रुपए पर वोटर, तो यह पैसा कहां जाके टिकता है? एक भारत में इकलौता एक ऐसा प्रधानमंत्री बना है जो सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए जीता है, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए जीता है और अपनी मन की बात सुनाने के लिए जीता है। उसे जनता से कोई वास्ता नहीं, और महान है हमारे देश की जनता भी, जुमलों पे खुश होती है, महानता है भारत की जनता। देखिए कितनी महान है भारत की जनता, यह हमें समझने की जरूरत है। जो प्रधानमंत्री दिन में सफेद झूठ बोले और भारत की जनता उस झूठ पर यकीन करे, तो वास्तव में कितनी महान है यह जनता। 15 लाख का जुमला छोड़ा, जनता ने यकीन कर लिया। 2 करोड़ नौजवान को रोजगार देने का वादा किया, जनता ने यकीन कर लिया। 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, जनता ने यकीन कर लिया। ये देश सुरक्षित हाथों में है, जनता ने यकीन कर लिया। भाई अगर किसी मुल्क को बर्बादी यदि है, मतलब बर्बादी की ओर जाती है, तो मैंने अपने तजुर्बे से यही अनुमान किया है कि उसमें बहुत बड़ा योगदान जनता का भी होता है, किसी भी मुल्क में। क्योंकि यदि सरकार उल्टी सीधी हरकतें करे और उल्टे सीधे बयान दे और उसमें जनता सपोर्ट करे, तो वो सरकार या वो नेता दोषी नहीं होता है। दोषी यदि कोई होता है तो आम जनता होता है, क्योंकि आम जनता के चंद छोटे छोटे स्वार्थ वो देश को बर्बादी की ओर ले जाता है। भारत को भी मैं इसी नजर से देख रहा हूं। भारत की बर्बादी जिस हिसाब से अभी तक हुई है और आने वाले समय के अंदर होने जा रही है, वो बहुत ही भयानक रहेगा, बहुत भयानक देख रहा हूं मैं आने वाला समय। क्योंकि जिस तरीके से मोदी सरकार ने एक बाय एक करके स्टेप उठा के भारत को कंगाल करने का काम किया है और उसमें जनता ने उसको सहयोग किया है, तो जनता अपने लिए कुआं नहीं खाई खोदने का काम कर रही है। भारत की जनता खाई, खाई मतलब समझ रहे हैं ना, खाई में गिरता तो आदमी निकलता नहीं है, तो वो महान जनता भारत की अपने लिए खाई खोदने का काम कर रही है। अभी तेजस्वी यादव ने क्या कहा बिहार के लिए, हम 10 लाख आदमियों को रोजगार देंगे। तो एक कदम बढ़ के भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा कि हम 19 लाख बिहार के लोगों को रोजगार देंगे। क्यों भाई, 15 साल में कितना रोजगार दे दिया डबल इंजन की सरकार ने, यह जनता को सुझाई नहीं दे रहा है। 15 साल में कितना रोजगार दे दिया, कितने जुमले पे भाई चलोगे? ऊपर से महान जनता की कथा सुना रहा हूं आपको, महान जनता। हम चुनाव प्रचार में जाते हैं तो जो मोदी भक्त है, जिसे हम गोबर भक्त कहते हैं, वो व्यक्ति कहता है मेरे ही बगल में रैयाम चीनी मिल था, जो 1914 के अंदर हमारे गांव के बगल में 1914 में अंग्रेजों ने बनाया था, जिसे लालू जी ने बंद किया और नीतीश जी ने बेच दिया। तो देखिए, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, राज्य के अंदर एनडीए गठबंधन की सरकार है, लेकिन वो मूर्ख
मूर्ख की औलाद क्या कहता है हमसे कि आप पहले रैयाम चीनी मिल चालू करवा दो। वो मूर्ख की औलाद है, उसका बाप भी मूर्ख है और वो महामूर्ख है जो हमसे ये क्वेश्चन करता है। जिसको जिताया उससे कोई डिमांड नहीं, जिसको नहीं जिताया उससे वो डिमांड करता है कि आप रैयाम चीनी मिल चालू करवा दो ताकि हम आपको वोट देंगे। मतलब समझ लीजिए कितने बड़ी सौदेबाजी है। हाथ में जिसको सत्ता की चाबी दिया वो मूर्ख उससे नहीं बोल रहा है कि मैंने चाबी आपको दिया है सत्ता की, मैंने मत आपको दिया है, आप जीते हुए हैं, आपके पास पावर है, आप मिल चालू कराओ। तो वो मूर्ख की औलाद हमसे सवाल करता है कि आप मिल चालू कराओ, तो मैं इसलिए मूर्ख बोल रहा हूं उसको। कितना बड़ा वो मूर्ख है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में कैसे कैसे मूर्ख पैदा होते हैं। और वो भी क्या कहूं अब मैं, वो मूर्ख कोई दूसरे नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। उनका दिन रात झंडा धोने का काम करते हैं, वो अपने बाप से नहीं बोलते भारतीय जनता पार्टी से कि हमने तुमको वोट दिया तुम जनता का काम करो, तो वो मूर्ख हमसे बोलता है। दूसरी चीज, आज के दौर में इंसान किस पे विश्वास करे। यदि आप कोई व्यक्ति हो, यदि कोई मंदिर में जाके कसम खाए कि मैं नेताजी आपके साथ हूं तो विश्वास करोगे ही मंदिर में। इस विधानसभा चुनाव में चार मंदिर पे ग्रामीणों ने कसम खाया कि मैं पिछली बार जो गलती हुई सो हुई, हम इस बार आपके साथ हैं। उसके बाद वैसे तो मेरा मानना है कि ईवीएम का खेल है, मैं 100% दावे से कहता हूं कि ईवीएम का खेल है। ईवीएम के अंदर 420 हुई है, नहीं तो जिस हिसाब से जनता ने हमें इस बारी एक ही सीट पे वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, क्योंकि भारतीय मित्र पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं था। अब क्यों नहीं था तो आप लोग समझ लीजिए, मैं बताता हूं आपको। 243 सीटों पे भारतीय मित्र पार्टी की तैयारी थी चुनाव लड़ने की, लेकिन मोदी सरकार, मैं कहता हूं मोदी सरकार के इशारे पे निर्वाचन आयोग ने, जब हमने चुनाव चिन्ह को कहा कंटिन्यू करने के लिए, तो चुनाव आयोग ने हमसे लेटर भेजा, हमारे पास 15 ऑप्शन दिए एफिडेविट के साथ, जो एफिडेविट नहीं लगता लेकिन एफिडेविट मांगा कि आप हमें एफिडेविट के साथ दीजिए। हमने एफिडेविट बना के 15 चुनाव चिन्हों की चुनाव आयोग को भेजा। उसके बाद वो हमसे पूछते हैं कि आपका कौन कौन सा प्रदेश में संगठन बन गया है, आप इसकी जानकारी दीजिए। हमने उसकी भी जानकारी दे दी कि 14 प्रदेशों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष वगैरह, जिला अध्यक्ष वगैरह बन चुके हैं पार्टी के। हमने उसको भी, उसके बाद चुनाव आयोग हमें फिर लेटर देता है कि आपके अध्यक्ष पद की टाइम पूरा हो गया है, तो आपने संगठन का चुनाव कराया तो उसकी जानकारी दीजिए अध्यक्ष पद का। हमने चुनाव कराया हुआ था लेकिन हमने चुनाव आयोग को लेटर नहीं भेजा। लेटर हमने भेजा कि इस तारीख को हमने ये चुनाव कराया, चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं। अब बोल रहे हैं कि आप चुनाव कराइए अध्यक्ष पद का, तो बिहार चुनाव है विधानसभा का, उसमें अध्यक्ष पद का आदमी चुनाव कराएगा कि चुनाव लड़ेगा? चुनाव हम कराएंगे संगठन का, तब तक चुनाव खत्म हो जाएगा। तो इस कारणवश हमने चुनाव इस बारी नहीं लड़ा, आपसे स्पष्ट बता रहा हूं, क्योंकि मैं फ्रॉडगिरी की राजनीति नहीं करता हूं, खुली किताब है। तो समझ लीजिए बीसपी से इंद्रजीत महतो को निर्दलीय प्रत्याशी बना के, भारतीय मित्र पार्टी का समर्थक प्रत्याशी बना के हमने उम्मीदवार बनाया। जनता ने जो प्यार हमें इस बार दिया, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि 40 पंचायत का हमने दौरा किया, एक एक गांव का दौरा किया, और चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जो हमें प्रेम स्नेह जनता ने दिया ये कतई हम मानने को तैयार नहीं है कि जनता ने हमें मत नहीं दिया। क्योंकि जहां भी जाते थे पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर, जहां जाते थे लोग मुंह फेरते थे, बात हमसे नहीं करते थे। लेकिन इस बारी हम जिस भी गांव में गए, जिस पंचायत में गए, जहां भी हमने नुक्कड़ सभा के माध्यम से जनता से रूबरू हुआ,
वहां पे जनता ने हमें एक ही बात विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ हैं, तो फिर हमारा वोट बैंक कैसे गायब हो सकता है ये हम मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि हमने अपनी आंखों से आपको बताया था कल कि देखा एक ट्रक भरा हुआ, पेटियों से भरा हुआ आके कॉलेज ले जाया गया, तो समझ में आता है। दूसरी बात, बिस्पी विधानसभा कभी भाजपा जीत नहीं सकती है, मैं दावे से कहता हूं, क्योंकि ये क्षेत्र के अंदर यादव बहुमूल क्षेत्र है, मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र है, ये कभी भाजपा नहीं जीत सकती है यहां की सीट जो 400 बीसी के हिसाब से जीती है। अब बगल के ही गांव की बात कर रहा हूं, कम से कम 1000 मत मुझे मिला है उस ग्रामीणों के कहने के अनुसार, लेकिन वहां जानते हैं सिर्फ 99 मत है, यानी ईवीएम एक एक ग्रामीण कह रहा कि हमने आपको मत दिया है, तो वोट हमारा कहां चला गया भाई। यानी भारतीय जनता पार्टी का मतलब है 420 पार्टी, 420 लोकतंत्र का गला घोटने वाला ये पार्टी है, लोकतंत्र का इसको विश्वास नहीं है जनता पे। तभी तो नरेंद्र मोदी सिर्फ चुनाव प्रचार करते हैं और अमित शाह एमएलए खरीदने का काम करते हैं, एमएलए खरीदने का काम करते हैं, समझ लीजिए। किसको लोकतंत्र पे विश्वास है, इनको लोकतंत्र पे विश्वास है? पूरे बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर एक भी जहां पे वोटिंग हुई है स्कूलों में, एक भी स्कूल के अंदर लाइट की व्यवस्था नहीं की गई थी, मैंने कल भी कहा था आपसे। तो क्या है ये, लोकतंत्र की हत्या है ना। अब जा रहा है कोई किसी को वोट देने के लिए, वहां प्रशासन से पूछता है तो प्रशासन जाके उसके नाम का बीजेपी में वोट डालता है, क्यों? और अधिकांश 3 नंबर बटन बीजेपी का रहा है इस बार, 3, क्यों? किस हिसाब से हरिभूषण ठाकुर को यहां 3 अंक दिए गए, और भी कई क्षेत्रों में ऐसा क्यों? कुछ तो है दाल में काला, नाम के अनुसार तो आपको 3 अंक नहीं मिलता हरिभूषण ठाकुर को, आप जोड़ लीजिए। 11वां नामांकन हमने किया था, 12वां नामांकन हरिभूषण ठाकुर ने किया था। यादव जब वोट दिया ही नहीं हरिभूषण ठाकुर को, तो जीत कैसे सकता है? 70,000 पॉपुलेशन है यादव की, 97,000 है मुस्लिम की, 3 लाख की आबादी में इतना अगर निकल गया तो कौन से वोट से जीतेगा भाई? और मुस्लिम बुद्ध के ऊपर भाजपा को वोट मानेंगे आप? मुस्लिम बुद्ध के ऊपर भाजपा को वोट कभी आ ही नहीं सकता है, इक्का दुक्का का कहेंगे नहीं, कोई धोखे से गिरा दे 100-100 वोट, 150-150 वोट, यह मानने की बात नहीं है। तो कुल मिला के जो चुनाव में, बिहार के चुनाव में देखने को मिला, वो नरेंद्र मोदी का, आज अगर मैं मीडिया की बात करूं, निष्पक्ष है यदि मीडिया तो एक बारी जनता की राय तो ले ले, अब तो चुनाव खत्म हो चुके हैं ना, आप जाके जनता की राय ले लें कि आपने किसको मत दिया, तो वो बताएगा, और आप दिखाने का हिम्मत है तो आप दिखाइए। 100 में 75% जनता कहेगा हमने महागठबंधन को मत दिया, 100 में 75% जनता, तो फिर बीजेपी कैसे आगे आ गई भाई? नहीं विश्वास है लोकतंत्र पे, और चुनाव आयोग कठपुतली क्यों बनी बैठी है? निर्वाचन आयोग कठपुतली का रोल अदा कर रही है अभी भारत के अंदर, चुनाव आयोग मोदी के इशारे पे काम होता है, अमित शाह के इशारे पे काम होता है। तभी तो नीतीश कुमार ने कहा था चुनाव से पहले, 4-5 महीना पहले, कि कितना भी जोर लगा लो सरकार तो हम ही बनाएंगे जैसे भी बनाए। इस भाषा में क्या छुपा हुआ है भाई, इस भाषा को आप किस नजरिए से देखते हैं कि कितना भी जोर लगा लो सरकार तो हम ही बनाएंगे जैसे बनाए, तो जैसे बना लिया। कभी देखा 18 घंटे तक एक विधानसभा की काउंटिंग
तो ईवीएम की क्या जरूरी है। और जब अमेरिका का अमेरिका जैसा देश बायलट पेपर पर चुनाव कराता है तो भारत के अंदर, ये तो मोदी जी खुद बोलते हैं कि अमेरिका पढ़ा लिखा देश, तो मोदी जी क्या कहना चाहते हो कि भारत मूर्खों का देश है? अमेरिका पढ़ा लिखा देश बैलेट पे चुनाव कराता है, स्टाम्प लगा के चुनाव कराता है, तो मोदी जी कह रहा है ना कि भारत मूर्खों का देश है जो यहां ईवीएम में चुनाव होता है। तो मोदी ने अभी तक ईवीएम को हटाने का काम क्यों नहीं किया है? करना चाहिए ना मोदी जी को, ईवीएम तुरंत से तुरंत हटवाना चाहिए। और यदि हिंदुस्तान के एक एक दल ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, तो यदि निर्वाचन आयोग नरेंद्र मोदी के इशारे पे काम कर रहा है, तो इसका मतलब निर्वाचन आयोग भारत सरकार के हाथों की कठपुतली है। उसे लोकतंत्र की हत्या करने में बहुत बड़ा योगदान निर्वाचन आयोग का है। जब बहुमत के हिसाब से यदि सब्जी चलती है देश के अंदर, तो फिर मेरा पूछने का कहने का मतलब है कि निर्वाचन आयोग 99 पार्टी की क्यों नहीं सुनती, एक पार्टी की सिंगल क्यों सुन रही है? सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की क्यों सुन रही है निर्वाचन आयोग? यदि 99 में से 99 पार्टी कहता है कि हम बैलेट में चुनाव कराना चाहते हैं, तो निर्वाचन आयोग क्यों मोदी के इशारे पे काम करती है और क्यों जिद पे अड़ी हुई है निर्वाचन आयोग? यदि स्वतंत्र विभाग है तो सम्मान करना चाहिए, लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए, राजनीतिक दल का सम्मान करना चाहिए निर्वाचन आयोग को। मजाक बना के रख दिया है निर्वाचन आयोग ने इस देश को और नरेंद्र मोदी की सरकार ने। मैं ये नहीं कहता कि जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं, सदियों से होता आया है, लेकिन इस तरीके से कभी नहीं हुआ जिस तरीके से अभी भारत के अंदर चुनाव हो रहे हैं। यदि लोकतंत्र पे और जनता पे नरेंद्र मोदी सरकार को विश्वास ही नहीं है, तो चुनाव कराना बंद कर दो, देश में बंद कर दो चुनाव कराना। कम से कम भारत सरकार का खजाना तो खाली नहीं करेगा ये मोदी जाहिल जाहिल प्रधानमंत्री, जिसको सिर्फ और सिर्फ चुनाव की पड़ी रहती है और चुनाव का जश्न मनाता है। भारत कंगाल हो गया, इस पे शर्मिंदगी नहीं होती? भारत सरकार का खजाना -24 पॉइंट पे चला गया, उस पे शर्म नहीं आता अमित शाह को और मोदी को? 90 रुपए प्याज बिक रहा है, 90 रुपए, 40-45 रुपए कभी भारत में आलू नहीं बिका, इस पे मंथन नहीं होती है? इस पे मंथन करोगे तो शर्म से डूब मरोगे चिल्लू भर पानी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।